जो एक्टर बनना चाहता है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तकदीर का मामला है या ये लॉटरी है जो जिसमें शायद मेरा नाम खुल जाए। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। नसी जी, एक एक्टर को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर उसे सफल बनाए? सबसे पहले तो किसी भी नौजवान जो एक्टर बनना चाहता है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तकदीर का मामला है या ये लॉटरी है जो जिसमें शायद मेरा नाम खुल जाए। ये बिल्कुल गलत तरीका है सोचने का। मैं जब 8वीं या 9वीं क्लास में था तो मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है, और मैं बिल्कुल क्लियर था इसके बारे में। मेरे दो बड़े भाई थे, एक फ़ौजी बनना चाहते थे, एक इंजीनियर बनना चाहते थे, दोनों बन गए, और दोनों ने ही 8वीं 9वीं क्लास से तैयारी करनी शुरू की इस बात की। तो मैंने ये सोचा कि मैं अभी से तैयारी करना शुरू क्यों नहीं कर सकता। एक्टिंग एक हुनर है, बढ़ईगिरी की तरह, कुम्हार जो काम करता है उसकी तरह, या और भी कोई भी काम, आप इक्वेशन एनी टेक्निकल प्रोफेशन जिसमें टेक्निक सीखना ज़रूरी होता है, जैसे तैयारी उसमें चाहिए वैसे इसमें भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि एक्टरों को मालूम नहीं होता कि हम तैयारी करें कैसे। एक तो अगर आप किसी से कहो कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं तो सबसे पहले तो हंसेगा आपके ऊपर, फिर आपका मजाक उड़ाएगा और फिर आपको डिस्करेज करेगा। तो ये समझा जाता है कि भाई एक्टिंग तो ऊपर वाले की देन है, कि अगर वो ऊपर से टपका दे तो ठीक है और ना टपकाए तो उसकी मर्ज़ी। मैं इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं करता। जैसे किसी और डॉक्टर इंजीनियर के लिए तैयारी की जाती है। बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल जैसे डॉक्टर। और मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं 5 साल तक नहीं पढ़ सकता, ये मोटी मोटी किताब है। हुआ ये कि मैंने 5 साल तक एक्टिंग पढ़ी। तो वो कहते थे कि तुम कहते थे 5 साल तक नहीं पढ़ सकते, इसमें एक्टिंग में क्या है सीखने को। और वो पढ़े लिखे इंसान थे, वो समझते थे, वो इंग्लैंड गए हुए थे, लेकिन उनके मुँह से भी ऐसी बातें निकलती थी कि क्या है दिस ब्लडी एक्टिंग, इसमें क्या रखा है, नौटंकी करते रहते हो तुम। तो ये सब बातें मैं हजम कर जाता था, लेकिन मैं चुपके से अपनी तैयारी करता रहा। और जब तक ये नौबत नहीं आई कि मुझे फैसला करना है कि मुझे किस लाइन में जाना है, तब तक मैं तैयारी करता रहा और अभी तक कर रहा हूँ, क्योंकि वो तैयारी कभी मुकम्मल नहीं होती। ये फैसला किस उम्र में आया? 8-9 साल से आपने सोचना शुरू किया फैसला? 8वीं क्लास में था मैं, मेरे ख्याल से मैं 12 या 13 साल का था उस वक्त। क्योंकि उससे पहले भी मुझे बहुत शौक़ था जो फिल्में मैं देखता था, और इत्तेफाक से हमें फिल्में बहुत सारी दिखाई जाती थी स्कूल में, और बहुत अच्छी फिल्में दिखाई जाती थी। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है।